तो चलते हैं, आप थर्ड एक्सरसाइज को चालू करते हैं नाइन्थ क्लास की। तो सेकंड एक्सरसाइज में मैंने आपको थोड़ा सा इरेशनल नंबर्स के बारे में बता दिया था, ठीक है। अब बात करेंगे हम डेसिमल्स की। डेसिमल्स तो आप जानते हैं क्या होता है, ये डेसिमल्स कितने प्रकार के होते हैं ये हमें जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम डेसिमल्स की बात करें तो सबसे पहले जो आता है वो आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उसके बाद जो दूसरा आता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। दो टाइप के होते हैं। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेट मतलब रुक जाना, खत्म हो जाना। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, कभी मैं आपसे बोलूं 7/5, तो 7/5 का डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसे, देखो 7 को 5 से डिवाइड लगाओ, 5 1 इज 5, 2 रिमाइंडर, डेसिमल लगाया 0 आया, 4 20 खत्म, 1.4, ये टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया। डेसिमल एक्सपेंशन खत्म ना होना मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं 10/3, 10 को अगर आप 3 से डिवाइड लगाओ तो 3 3 इज 9, 1 रिमाइंडर, 0.039, फिर से 1 रिमाइंडर, फिर से 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1 रिमाइंडर, मतलब ये तो चलता ही जा रहा है 3.3333। तो 10/3 का आंसर होता है 3.3333 अप टू सो ऑन एंड 3 पॉइंट, जो चीज़ रिपीट करे उस पर बाल लगाया जाता है। तो ये जो डेसिमल है 3.333 जो कि नहीं रुक रहा है, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अरी बात, नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुके डेसिमल एक्सपेंशन, ना रुके, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट होना मतलब रुक जाना, टर्मिनेट होना वाला रुक जाना, नॉन टर्मिनेट मतलब नहीं रुकना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हम समझ गए होंगे एग्जांपल से। तो इसकी डेफिनेशन पे मैं नहीं लिखूंगा, बस इतना आपको इसको जानना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स अ डेसिमल एक्सपेंशन, किताब में लिखी है, अ डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप्स whose decimal expansion stop। Terminating decimal ऐसा decimal होता है जिसका decimal expansion रुक जाता है। जैसे example मैंने बताया 7/5, इसका answer क्या होता है 1.4, ये जो आप देख रहे हो ना ये terminating decimal है। और non-terminating decimal का मैं अगर example बता दूँ तो ये 10/3 जो कि हो जाएगा 3.33। तो decimal लिखा के रट्टेबाजी में नहीं जाते हैं, concept समझते हैं, ठीक है। तो terminating decimal आप समझ गए होंगे, non-terminating समझ गए होंगे। अच्छा, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल आते कहाँ से, टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा रैशनल नंबर से आते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहाँ से आते हैं, रैशनल नंबर से, हुज डिनोमिनेटर हैज फैक्टर इधर टू और 5 और बोथ। जब किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या दोनों हो, तो उस रैशनल नंबर से आपको कौन सा डेसिमल मिलना है, टर्मिनेटिंग। ढंग से सुनना जो मैंने आपको बोला, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहां से मिलता है, एक रैशनल नंबर से मिलता है। देख लो आपके सामने एक रैशनल नंबर मैंने लिखा, ये पी बाई क्यू का फॉर्मेट है कि नहीं है, पी बाई क्यू रैशनल नंबर है कि नहीं है, लेकिन ये ऐसा वैसा रैशनल नंबर नहीं है भाई साहब, रैशनल नंबर तो ये भी है, लेकिन ये कैसा दे रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है। तो ढंग से समझो कौन से रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग देते हैं। तो मैंने बोला टर्मिनेटिंग डेसिमल कहां से आते हैं, रैशनल नंबर से आते हैं। कौन से रैशनल नंबर, जिनके डिनोमिनेटर का फैक्टर या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या तो दोनों हो। आप ढंग से देखें तो 7/5 में जो डिनोमिनेटर 5 है और 5 का फैक्टर है 5, 2 नहीं है, लेकिन सिर्फ 5 भी चलेगा, सिर्फ 2 भी चलेगा, या दोनों होना चाहिए, इसके अलावा नहीं चलेगा। मतलब ऐसे ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें जो डिनोमिनेटर है उनके फैक्टर या तो 2 हो, या 5 हो, या तो दोनों हो, इनके अलावा नहीं होना चाहिए, इनके अलावा। तो वो सारे फ्रैक्शंस कैसा डेसिमल देंगे, टर्मिनेटिंग देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने अपने से मैंने ले लिया 1/16, ठीक है, मुझे पता है इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग आएगा। सर कैसे पहचान लिया आपने इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग आएगा, क्योंकि जो 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, क्या फैक्टर सिर्फ 2 है, मैंने बोला सिर्फ 2 हो, या सिर्फ 5 हो, या दोनों, तो टर्मिनेटिंग मिलता है। सर देखें, प्रूव करें, देखें आता है कि नहीं टर्मिनेट, बिल्कुल 1/16,
डेसिमल लगाओ जीरो आएगा, डेसिमल लगाया टेन आया, 16 से छोटा है तो ऊपर जीरो लगाते हैं, 10 आ गया, फिर एक जीरो लगाना पड़ेगा, 16 × 6 = 96, ठीक है ये आएगा 4 के बाद यहाँ पे जीरो लगा देंगे तो 16 × 2 = 32, यहाँ पर आया 8, तो यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है 8 आया, बगल में जीरो लगाया, 16 × 5 = 80, रिमाइंडर जीरो, देखो 0.0625 टर्मिनेट हो गया कि नहीं हो गया, मतलब सर हम डिनोमिनेटर बस पहचान ले तो ऊपर न्यूमिनेटर चेंज करते जाए, मतलब मैं अगर 1 की जगह 3 कर दूँ तब भी टर्मिनेटिंग होगा, बिल्कुल होगा सर, अगर मैं 1 की जगह 7 कर दूँ तब भी टर्मिनेटिंग होगा, बिल्कुल होगा, नीचे डिनोमिनेटर को देखो आप न्यूमिनेटर कुछ भी कर सकते हो, यही तो खासियत है मैथ की, रटना कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ, एक और एग्जांपल, ये तो सिर्फ 2 था फैक्टर डिनोमिनेटर का, अगर मान लो सर आप एक एग्जांपल ले लो, चलो एक काम करो आप 1/80 ले लो, 1/80, अब ये जो 1/80 है इसको अगर आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे 80 के, तो 80 देखो 2 से डिवाइड हुआ 40 आया, 2 से डिवाइड हुआ 20 आया, 2 से डिवाइड हुआ 10 आया, 2 से डिवाइड हुआ 5 आया, तो या तो देखो 2 है या तो 5 है, अब देखो इसमें दोनों है, इसमें दोनों है, इसमें जो है वो दोनों है, 2 और 5 दोनों फैक्टर है, तो 1/80 करके देखते हैं टर्मिनेटिंग आता है कि नहीं आता है, तो 1 को डिवाइड लगा देते हैं 80 से, डेसिमल लगाया 0 आया, छोटा है तो 0 लगाएंगे 10 आएगा, यहाँ पे सॉरी जीरो लगाएंगे 0 आएगा, ये 10 बचा और ये फिर से 0, ये 1 टाइम करोगे 80 आएगा, कितना आया 20, फिर 0, फिर 2 टाइम करोगे 160 आएगा, ये आया 40 और फिर 0 और फिर 5 टाइम्स करोगे तो 400 आ जाएगा, 0.0125 टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब हम एक चीज़ समझ गए, तो पहले तो मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग क्या होता है कि डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाए, और फिर मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आता कहाँ से, एग्जैक्ट मैंने आपको कहानी बता दी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आता कहाँ से, रैशनल नंबर से आता है जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर या तो 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों हो। अच्छा, अब में से किसी ने पूछा कि सर अगर फैक्टर 2 है 5 है इसके अलावा भी है फिर क्या होगा इसका, फिर तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, अगर कभी फैक्टर 2 भी है 3 भी है 5 भी है, जैसे अपॉन 30, 30 के फैक्टर 2 भी है, 30 को अगर आप करो सॉल्व करो तो 2 से करोगे 15, 3 से किया 5, 2, 3, 5 तीनों है, 3 ने काम बिगाड़ दिया, फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए 2 और 5, तो अपॉन 30 करने से आपको ऊपर कुछ भी कर लो आपको टर्मिनेटिंग नहीं मिलने वाला, ऊपर न्यूमरेटर कुछ भी कर लो आपको टर्मिनेटिंग नहीं मिलने वाला, तो कौन सा मिलने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग मिलने वाला है, रुकेगा ही नहीं। तो ऐसा डिनोमिनेटर जिसका फैक्टर 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो उसमें हमें क्या मिलता है, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग मिलता है, समझ में आ गया सभी को, और 2 और 5 के अलावा उसका फैक्टर तो फिर बचा ही है कि है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा आपको। अच्छा, अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, सर नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है, आपने टर्मिनेटिंग बता दिया कि डेसिमल एक्सटेंशन रुक जाए, कहाँ से आता है, रेशनल नंबर से, कौन सा रेशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर 2 और 5, जिनका डिनोमिनेटर फैक्टर 2 हो या तो से 5 हो या तो दोनों, लेकिन अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल से आता है तो सर ये भी तो आपने रेशनल ही लिखा है, तो बिल्कुल मैं लिख रहा हूँ, तो नॉन टर्मिनेटिंग कहाँ से आता है, रेशनल से भी आता है और इरेशनल नंबर से भी आता है, नॉन टर्मिनेटिंग कहाँ से आता है, रैशनल से भी इरेशनल से भी, रैशनल कौन सा, ये देखो 10/3 रैशनल है कि नहीं है, लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, रुक ही नहीं रहा है, ऐसी इरेशनल नंबर देखो √2 इरेशनल नंबर है, इसको अगर स्क्वायर रूट मेथड जो 8वीं पढ़ा उससे सॉल्व करोगे तो 1.4142 ऐसे आगे बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, अब देखो इसमें एक लकीर खींच जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग आता है रैशनल से और इरेशनल से, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो डेसिमल रुके नहीं, अब इन दोनों डेसिमल को अच्छे से देखो, जो डेसिमल आए हैं इन दो डेसिमल को अच्छे से देखो, इनको ढंग से देखो, दोनों डेसिमल में क्या फर्क पा रहे हो आप, क्या फर्क है दोनों में, क्या फर्क है, कुछ देख पा रहे हो सर, पहली सिमिलरिटी क्या है, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, चलो पहला वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग, तो देखो ये पहला वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो सिमिलरिटी है कि दोनों नहीं रुक रहे हैं, ठीक है। अब दोनों डिफरेंस क्या है, देखो इसमें 3, 3, 3, 3, 3 रिपीट हो रहा है, इसमें ऐसा नहीं है, 4 के बाद 1 आया, 1 के बाद फिर 4 आया, फिर 2 आया, रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये वाला जो डेसिमल कहलाता है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, रुक तो नहीं रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, और ये वाला कौन सा है सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, समझ में आएगी नहीं, जैसे मैं बोलूं आपको 2.18181818, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, रुक नहीं रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, रिपीटिंग है,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अच्छा अगर मैं बोलूँ 1.707007000 ऐसा बोलूँ तो आप बोलोगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्यों रुक नहीं रहा, लेकिन रिपीटिंग भी है क्यों, सात और जीरो वापस आया तो नहीं, गलत हुआ आप। पहले 70 आया फिर 700 आया फिर 7000 आया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से कहानी में आते हैं वापस, देखिए देखिए सबसे पहले डेसिमल दो हिस्सों बटे, कोई दिक्कत? पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है, सीधा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहाँ से आता है? रैशनल से। कौन से वाले रैशनल से? जिनका डिनोमिनेटर का फैक्टर या तो 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों, ठीक है, एग्जाम्पल लिखा। नॉन टर्मिनेटिंग कहाँ से आता है? रैशनल से भी आता है, इरेशनल से भी आता है। सर रैशनल से ये भी था तो मतलब यहाँ कौन सा रैशनल है? यहाँ तो वो रैशनल था जिसका डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 था या 5 था या दोनों था। यहाँ वो आएगा जिसका डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 के अलावा है या 2 और 5 के साथ और भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, डिनोमिनेटर 3 है। और नॉन टर्मिनेटिंग कहाँ से आता है? इरेशनल से। रैशनल नंबर्स का जो रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग देते हैं वो कैसा डेसिमल देते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रैशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देते हैं, ये रैशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग दे रहा है लेकिन कैसा है? रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरीके के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन देगा? रैशनल नंबर ही देगा। कौन सा रैशनल नंबर देगा? जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 के अलावा भी है। और इरेशनल नंबर कौन सा देंगे डेसिमल? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ में आया कि नहीं आया? कहानी को एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। दो डेसिमल, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक क्या होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। शायद ये मेरी फोटो इसमें नहीं दिख रही होगी आपको, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो जाता है, डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो जाता है। यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट स्टॉप, यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप नहीं होता, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है और यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन नहीं रुकता है, यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन नहीं रुकता। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल जैसे 7/5 लिया था मैंने, आंसर कितना था? 1.4। यहाँ पर कौन देता है इसे? रैशनल नंबर देता है जिसका डिनोमिनेटर के फैक्टर कौन हो? 2 और 5 और बोथ। अच्छा, इसका एग्जांपल में रैशनल नंबर भी आता है, जैसे 10/3, ये है 3.3333, जो रैशनल नंबर इसका क्या होता है? डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म या मैं ऐसा क्लियर लिखूं, डिनोमिनेटर कैन बी, अरे यार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ डिनोमिनेटर कैसा हो सकता है रैशनल नंबर का? डिनोमिनेटर कैन बी एनी फॉर्म, ठीक है, कोई भी फॉर्म का हो सकता है डिनोमिनेटर, 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है। यहाँ और क्लियर लिख दूँ तो इट कैन हैव फैक्टर अदर देन 2 और 5, ये अच्छा रहेगा। इट कैन हैव फैक्टर अदर देन 2 और 5 के अदर देन जो भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे वो कैसा होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ रिपीटिंग होंगे, रुक तो नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो ऐसे रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर नहीं है वो कैसा डेसिमल देते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। लेकिन इरेशनल नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग देते हैं, इरेशनल नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देते हैं, लेकिन कैसा डेसिमल देते हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 4142। जैसे मैं लिखूं 0.70, यहाँ ये तो एग्जांपल पुराना हो गया, 0.71, 7111, 7111, ये सब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। भले आप देख रहे हो 71 आ रहा है लेकिन आप वो देखो, पहले 71 था फिर 711 था फिर 711 था। समझ में आया कि नहीं आया? कंसेप्ट क्लियर हो गया डेसिमल और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में? चलिए एक्सरसाइज में आते हैं, थर्ड एक्सरसाइज में, पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या लिखा है देखो, पहले क्वेश्चन लिखा है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, मतलब टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बहुत ही आसान चीज़ है, डिवाइड लगाना है, आंसर पाना यार।
फर्स्ट वाला है 36 बाई 100, आपको तो पता ही है 36 बाई 100 को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कैसे, नीचे डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं, तो डेसिमल के बाद दो प्लेसेज होने चाहिए, दो प्लेस 36 तो है ही, तो इसे लिख सकते हैं 0.36, ये रुक गया, इसलिए इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आते हैं दूसरे वाले में, दूसरा वाला है 1 बाई 11, तो 1 को 11 से डिवाइड लगा देते हैं। अच्छा, मैं बिना देखे आपको बता सकता हूँ कि इसमें नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, क्योंकि 11 के फैक्टर क्या है, 1 और 11, मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर का फैक्टर या तो सिर्फ 2 हो, 1 को अच्छा नहीं देखना, ठीक है, या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो दोनों हो, तो टर्मिनेटिंग मिलता है। अब 11 आ गया, टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब देखना कैसे, रुकेगा ही नहीं, तो कैसे, पहले आप डेसिमल लगाओगे, 0 आएगा, छोटा है तो 0 लगाओगे, तो यहाँ 0 आएगा, ये आएगा 10, और 100 कर दोगे, 9 टाइम्स लगाएगा 99, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0, अरे बात समझ में, तो फिर आप 0 लगाओगे, फिर आएगा ये 0, फिर आएगा 10, फिर 100, फिर 9 लगाओगे, फिर 99, फिर 1, ये तो रिपीट होता जा रहा है, तो ये वाला डेसिमल आ रहा है आपका 0.0909। अच्छा, ढंग से देखो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ ही साथ रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है, क्योंकि 0909 आपस में रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगले वाले में आ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं, थर्ड वाले पार्ट में, थर्ड लिखा है इसमें 4 1 बाई 8, मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर बन लेंगे, 8 4 32 और 33, 8 4 is 32, 32 + 1 is 33, 33 बाई 8। अच्छा, 8 के फैक्टर्स क्या हैं, सिर्फ 2, टर्मिनेटिंग आएगा, पहले से बता रहा हूँ, 2 और 5 फैक्टर, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 टर्मिनेटिंग आएगा, देख लेते हैं, 33 बाई 8, 8 × 4 is 32, 1, ठीक है, डेसिमल लगाया, 0 1 8 2 0 2 16 4 0 5 40 0, 4.125 बोला था ना टर्मिनेटिंग आएगा, तो ये आ रहा है 4.125। ठीक है, ऐसा होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलो अगला कर लेते हैं, अगला 3 बाई 13, क्या कह सकते हो बताओ, बिना देखे क्या कह सकते हो, 3 बाई 13 का कैसा आएगा बिना देखे बताओ, बिना देखे 3 बाई 13, डिनोमिनेटर जो है वो 1 और 13 से डिविजल है, 2 और 5 से नहीं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 13। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा आएगा, रिपीटिंग ही आएगा, क्योंकि रैशनल नंबर है ना, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग ही आएगा क्योंकि रैशनल है, नॉन टर्म नॉन रिपीटिंग कौन देता है, इरेशनल, सारी चीज़ें क्लियर की थी मैंने अभी पीछे सारी चीज़ें, तो 3 आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप पॉइंट लगाओगे तो आ जाएगा 0, जैसे ही 3 वापस आए तो वहीं से रिपीट करेगा, जैसे अभी 3 था ना, सिर्फ 3 देखो क्या था, सिर्फ 3 था, जब आपका रिमाइंडर 3 आ जाए ना, तो समझ जाना वापस यहीं से टर्मिनेट करेगा, वापस से रिपीट होगा, तो डेसिमल लगाया, 0 आया, 3 टाइम्स किया, 3 टाइम्स क्यों कर रहे हो भाई साहब आप, 2 टाइम्स करो, 26, 40 3 39 1, ठीक है, 39 और 1, 0, 0 लगाए क्योंकि डेसिमल लगा चुका हूँ, 0 आएगा, 0 10 और 0, ठीक है, 13 को कितने बार करना पड़ेगा, 13 × 6 = 78, 13 = 91, 7 times 91, तो 100 था या 91, और यहाँ पे आएगा 9, फिर 90, 13 × 6 होता है 78, 1 2 0, फिर 13 × 9 is 117, रिमाइंडर कितना आ गया, 3, देखो 3 से चालू किया था हमने, 3 बाई 13 से चालू किया था रिमाइंडर, वापस से जहां से चालू करो वही रिमाइंडर आ जाए, तो अब ये रिपीट करेगा, अब ये पूरा वापस से रिपीट करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर, ये तरीका याद रखना जो मैंने आपको बताया, जहां से चालू कर, जैसे 3 से चालू किया था यहाँ, 3 से वापस वही रिमाइंडर आ जाए, तो ये पूरा रिपीट कर जाएगा, छोड़ देना जब वापस वही रिमाइंडर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ रहा है 0.23079
फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा 23079 23079 23079, तो उस पर बाल लगा दिया और इसका आंसर मैंने बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चलिए अगला क्या है, 2 by 11 क्या कहते हो, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग। देखो ये जो 11 है ये 11 की टेबल में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग आएगा। सर नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग का आता है इरेशनल में, तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का फैक्टर 2, 5 के अलावा है। तो करते चलो, 2 को 11 से डिवाइड लगाया, वापस से 2 आएगा वहीं से रिपीट करेगा, तो पॉइंट लगाया 0, 11 इंटू 1 इज 11, 9 और 0, 9 इज 88, फिर से 2 आ गया, जहां से 2 आया अब ये रिपीट करेगा, तो 0.18, इसका आंसर आएगा 0.18 बार। तो ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलो छठवां वाला पार्ट क्या था, छठवां वाला पार्ट क्या था 329/400, 329/400। सर अब आप बता सकते हो डायरेक्ट कि टर्मिनेटिंग है कि नॉट, बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। देखो 400 को लिख सकते हैं 4 × 100, 4 में सिर्फ 2 और 2 है, 100 में क्या है 10 × 10 है, और 10 में क्या है 2 और 5 है, और इसमें क्या है 2 और 5, टर्मिनेटिंग आएगा देख लेना। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, 329 डिवाइडेड बाई 400, डेसिमल लगाया 0 आया, ये है 3290, तो 8 गुना करेंगे 3200 आ जाएगा, 90 एक और 0 टू टाइम्स 800, तो ये आ जाएगा 100, और यहाँ पे 000 आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स 800, ये आ जाएगा 200000, 5 0.8225, टर्मिनेटिंग बोला था, टर्मिनेटिंग। चल आते हैं सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन है 1/7 का आंसर दिया गया हमें, सेकंड क्वेश्चन में हमें 1/7 का आंसर दिया गया है 0.142857 बार, मतलब ये चीज रिपीट हो रही है 142857, फिर 142857, फिर 142857, फिर 142857, ये रिपीट हो रही है। तो बोल रहा है हमसे 1/7 का तो ये आंसर है, कैन यू प्रिडिक्ट वॉट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। आपको बोल रहा है 1/7 का ये आंसर है, अब आप बिना डिवाइड किए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का आंसर निकाल सकते हो क्या? अरे बात सुन ले, हमसे बोला जा रहा है कि 1/7 का ये आंसर है, क्या आप बिना डिवाइड किए, आप बिना डिवाइड किए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का आंसर निकाल सकते हो? तो यस बिल्कुल निकाल सकते हैं बिना डिवाइड किए। कैसे, देखो 2/7, क्या हम 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हैं? देखो 2 × 1 2 ही होता है, 2 × 1/7, और 1/7 का आंसर तो हमारे पास है, क्या है 2 × 0.142857, ये हमारा आंसर है, तो इंटू कर लेते हैं, तो 142857 को आप 2 से इंटू लगाएंगे, ये आ जाएगा 14, 2 × 5 = 10, 11, ये आ जाएगा 2 × 8 = 16, 17, ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, 5, 2 × 4 = 8, ये आ जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.285714, ये आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही हमें 3/7 का आंसर चाहिए, तो 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3/7 को 3 × 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 × 1/7, तो 3 × 1/7 का आंसर, 1/7 का आंसर क्या है, 1/7 का आंसर है 0.142857, तो 142857 को आप 3 से इंटू लगा दीजिए, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 17, 3 × 8 = 24, 1 और 5, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, 3 × 4 = 12 और 1, 3 × 1 = 3, और ये आ जाएगा आपका 4, तो ये आ जाएगा आपका 0.428571, ये आ जाएगा, ठीक है, सही किया ना, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 17, 3 × 8 = 24 और 25, 3 × 2 = 6, 3 × 5 =
अब चलिए ऐसे ही अगर मैं 4x7 का निकाल लेता हूँ, एक लास्ट में निकाल लेता हूँ 4x7 का, फिर 5x7 और 6x7 का आप खुद निकालना, ठीक है, खुद से चेक करना। तो आ जाते हैं 4x7, तो 4x7 का आंसर क्या हो जाएगा, 4x7 का आंसर 4 × 1/7, ठीक है, 4 × 1/7, 4 × 1/7 मतलब 4 × 1/7 का आंसर क्या था, 0.142857 बार, ठीक है। तो 142857 को आप किससे लगा, 4 से, 4 28 2, 4 × 5 = 20, ये आ जाएगा 22, 4 × 8 = 32, और ये 4 × 2 = 8 = 11, और ये आ जाएगा 4 × 4 = 16 17 1445, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 0.571428 बार, सही है ना, 4 7 28 2 carry 4 5 20 22, 32 34 42 is 8 8 3 5, तो ये रहा। अब आप 5x7 निकाल लो, 5x7 मतलब 5 × 1/7 यहाँ पे, और 6x7 निकाल लो, 6 × 1/7। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो आ जाते हैं क्वेश्चन में, क्या लिखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमें ये जो क्वेश्चन दिए हैं इन सभी को किसके फॉर्म में लिखना है, इन सभी को P/Q के फॉर्म में लिखना है, P/Q, इन सभी को P/Q के फॉर्म में लिखना है। P/Q के फॉर्म में लिखना है मतलब देखो, मान लो आपको दिया है 10/3, आपको कभी दे दिया 10/3, ये है P/Q फॉर्म। ये क्या है, P/Q फॉर्म मतलब रैशनल नंबर, आपको ये दिया है P/Q। आप जब लॉन्ग डिविजन लगाते हो तब तो आपको पता चल जाता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। अब काम उल्टा होगा, अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन देगा और पूछेगा कौन से P/Q से आया है, समझ रहे हो क्वेश्चन। अभी तक आपको P/Q देता था, आप लॉन्ग डिवीजन लगाते थे तो डेसिमल एक्सपेंशन मिलता था, अब उल्टा काम है। अब डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिल गया है, अब बोल रहा है कौन से P/Q से ये आया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही काम यहाँ पर करना है। तो 0.6 बार करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कैसे करना होता है। जैसे मैं ले लेता हूँ 0.2 बार, ठीक है, 0.2 बार क्या करना है, स्टेप समझना, जो भी क्वेश्चन दिया हो उसे x के बराबर लिखो, समझ गया, पहला स्टेप, जो भी क्वेश्चन दिया हो उसे x के बराबर लिखो। अगले स्टेप में बार को ओपन कर दो, अगले स्टेप बार को ओपन कर दो, तो बार को ओपन, बार के मतलब बार के नीचे 2 है, इसका मतलब 2 रिपीट हो रहा है, तो मैंने 2 3 बार लिख दिया, इसे दे दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसे आप दे दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब बार के नीचे एक डिजिट है तो आप दोनों साइड 10 का इंटू करोगे। अगर बार के नीचे दो डिजिट है, जैसे यहाँ पे देखो 0.47, अगर बार के नीचे दो डिजिट हो तो आप 100 से इंटू करोगे, अगर बार के नीचे 3 डिजिट हो तो आप 1000 से इंटू करोगे, जितनी डिजिट उतना मल्टीपल ऑफ 10 से इंटू करोगे। अभी बार के नीचे कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो आप दोनों साइड किससे इंटू करोगे, 10 से इंटू करोगे। तो मल्टीप्लाइंग बाई टेन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x में जब 10 का इंटू करोगे तो आएगा 10x, यहां पर जब आप 10 का इंटू करोगे तो पॉइंट उधर खिसकेगा, तो यह आ जाएगा 2.22। अच्छा, डॉट डॉट लगाए, कितने भी 2 लगा सकते हो आप, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। क्या आपको यहां तक समझ में आया, इसको मिटा देता हूं मैं। ये सेकंड इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया, दोनों साइड 10 का इंटू कर लिया, x इंटू 10 10x, 10 का इंटू किया पॉइंट इधर खिसक गया, तो आप बोलोगे सर 2.22 लिखना था, लेकिन ये एंड सो ऑन है, तो इससे मैंने एक और 2 ले लिया, तो 2.222 हो गया ये। अब आपको क्या करना होगा, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट करना होगा, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो LHS माइनस करना होगा, RHS माइनस करोगे, 10x माइनस x 9x, 10x माइनस x 9x। अच्छा, इन दोनों को माइनस करोगे तो देखो 0.222, इसके पास ही 0.22 कैंसिल, ये वाला पार्ट हो जाएगा कैंसिल, और 2 माइनस ये 0 है, 2 माइनस 0 हो जाएगा 2, 9 जाएगा नीचे, तो x इक्वल टू 2/9, मतलब 2/9 को डिवाइड करने से 0.2222 मिलता है। आया समझ में कि नहीं आया, एक और एग्जांपल चलो बता देता हूँ, एक और एग्जांपल। जैसे मान लो हमें दिया है 0.3 बार, ठीक है, तो क्या करोगे आप, जो भी क्वेश्चन है उसे x के बराबर लिखोगे।
अगले स्टेप में बार ओपन कर लोगे तो थ्री 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 एंड सो ऑन, कब तक आगे जाता ही जाएगा। अच्छा, बार के नीचे एक ही डिजिट है, दोनों साइड 10 का इंटू करोगे तो 10x, यहाँ भी 10 का इंटू करोगे तो 3.333 ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों को आप माइनस करोगे तो 10x माइनस x क्या हो जाएगा 9x, यहाँ माइनस कर दोगे तो ये कैंसिल, 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/3। आया समझ में कि नहीं आया? चलो अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, ये जो फर्स्ट पार्ट है आ जाते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार आप खुद ट्राई करो, इसको खुद ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, एक बार खुद ट्राई करो फिर इसमें आओ। मान लो आपको दिया है 0.6 बार, तो इसे लिखेंगे x इक्वल टू 0.6 बार, बार ओपन करेंगे तो 0.666 चलता जाएगा, इसे फर्स्ट दे देंगे। बार के नीचे कितनी डिजिट है, एक ही है, मतलब 10 से इंटू करें दोनों साइड, तो 10x बराबर हो जाएगा 6. यहां से 10, दोनों साइड 10 का इंटू करना, ये 10x और 10 का इंटू किया पॉइंट इधर खिस गया 0.666, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर दोगे तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा 9x, LHS माइनस करना, 10x माइनस एक्स 9x हो जाएगा। इन दोनों को ही माइनस करोगे तो 0.66 कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो है, 6 माइनस जीरो कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर 6/9, काटा 3 से तो 2/3। आसान में अगला आ जाते हैं, पॉज करिए और नोट करिए। अगला आ जाते हैं 0.47 बार, जो भी हो उसे x के बराबर लिखो, बार ओपन करो, अब क्यों आप कौन रिपीट हो रहा है 47, इसे आप लिखोगे 0.474747, इसे दोगे फर्स्ट इक्वेशन 4747 फर्स्ट इक्वेशन। बार के नीचे दो डिजिट है, दोनों साइड 100 का इंटू करोगे, जब बार के नीचे एक डिजिट थी दोनों साइड 10 का इंटू किया, दो साइड 100 का, ये हो जाएगा 100x। यहां से भी आप 100 का इंटू करोगे तो 100 का इंटू करने से डेसिमल दो प्लेस खिसकेगा, दो प्लेस खिसकेगा, आपको तो पता ही होना चाहिए, अगर 0.47 दिया है इंटू 100 करोगे तो दो, ये 47 बन जाता है, तो इसको डेसिमल वहां खिसका देंगे तो पॉइंट उधर जाएगा तो कितना जाएगा 47 रिपीट हो रहा है, देखो 47 एक और 47 अपने से लिख सकता हूं मैं, एंड सो ऑन चल रहा है, 47 तो रिपीट हो रहा है, तो डेसिमल उधर गया 47.4747। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करोगे 100x माइनस x 99x। अच्छा, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, 47 माइनस 0 47, तो x बराबर हो जाएगा 47/99, ये हो जाएगा। तीसरा है पॉइंट डबल जीरो वन, तीसरा है 0.001 बार, ठीक है, तीसरा ये है 0.001 बार, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो पहले x इक्वल टू लिखोगे आप 0.001 बार, फिर आप बार ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा 0.001001001 एंड सो ऑन, इसे आप दे दोगे फर्स्ट इक्वेशन। बार के नीचे तीन डिजिट है, मतलब 1000 का इंटू करोगे दोनों साइड, तो दोनों साइड 1000 का इंटू कर दोगे, यहाँ 1000 का इंटू किया आपने तो तीन प्लेस खिसकेगा, एक दो तीन प्लेस खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 1000 से अगर आपने इंटू लगाया तो ये हो जाएगा 001 पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 001001 और अपने से 001 आप लिख सकते हैं। 1000 माइनस 1 हो जाएगा आपका ये 999x, माइनस करोगे ये चीज़ ये कैंसिल, ये 001 1 ही है, 1 माइनस 0 इज 1, तो x आ जाएगा 1/999। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन, क्या लिखा है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्वेश्चन उसी टाइप का है जैसे पिछले क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमा के दिया है आपको, होता है एक्स इक्वल टू 0.9999999 चलता जा रहा है, ये असली में क्वेश्चन ये है 0.9 बार, जो पिछला किया था हमने वही है 0.9 बार है, तो कैसे करना होता है, पहले आप इसे एक्सपेंड करते हो, जनरली मैं ऐसे 3 बार इसे खोल देता हूँ 9 को फर्स्ट, फिर बार के नीचे एक डिजिट है तो जितनी डिजिट हो उतने 10 से इंटू करो, मल्टीपल ऑफ 10 से इंटू करो, नीचे एक डिजिट है मतलब 10 से इंटू करोगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा 10x, ये 10 से इंटू करोगे हो जाएगा 9.999, ठीक है। अगर आपको लग रहा है एक 9 कहाँ से आया तो ये सो ऑन था, तो ये मैं कितना भी 9 यहाँ लिख सकता हूँ। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे, 10x माइनस x इज 9x,
इसको माइनस किया 0.99 कैंसिल, 9 माइनस 0 इज 9, तो x इक्वल टू आ गया 1, x इक्वल टू आ गया 1। आगे बोल रहा था आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, यस आई एम सरप्राइज बिकॉज x इक्वल टू 0.99999 का मतलब 1 होता है। अगर 0.999 इनफिनाइट टाइम्स लिखा है तो असली में वो 1 के करीब है, 1 के बहुत ज़्यादा करीब, मतलब एग्जैक्ट 1 के ही बराबर है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 को जब हम डिवाइड लगाएंगे तो कितने डिजिट्स उसमें रिपीट करेंगे और कैसे चेक करना है, डिवीजन से। चलिए डिवाइड लगाते हैं, बहुत ही बड़ा डिवीजन जाने वाला है। चलो ठीक है, 1 को डिवाइड लगाते हैं अपन 17 से। ठीक है, तो पॉइंट लगाया, 0 आया, 0 लगाया, 0 आया, 10, 0 लगाया, 17 इंटू 5 15 0, 17 इंटू 9 होता 153, तो 17 इंटू 8 लगाना पड़ेगा 136, 140, अगेन 8 लगाना पड़ेगा 136, 40, 2 टाइम्स करना पड़ेगा 3460, 17 इंटू 3 करना पड़ेगा 5190, 17 इंटू 5 करना पड़ेगा 8550, 17 इंटू 2 करना पड़ेगा 3416, 0, 17 इंटू 9 153, रिमाइंडर आ जाएगा 7 और 0, 17 इंटू 4 68, रिमाइंडर आ जाएगा 2 0, 17 इंटू 1 17 3 और 0, 17 इंटू 1 अगेन 17 और 130, 17 इंटू 7 होता है 119, 17 इंटू 7 हो जाएगा 119 और ये 110, 17 इंटू 6 102 80, 17 इंटू 4 68 120, 17 इंटू 7 119, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो देखो 1 से हमने चालू किया था, चालू कैसे किया था 1/17, 1 से चालू किया था, वापस 1 आ गया, मतलब अब सारी चीजें यहाँ पे रिपीट करेगी तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा इन सभी के बार। तो इसका आंसर में क्या आया है देखो, 0.058235 2941 2941776 47 बार। अब वापस से वही कहानी चलेगी क्योंकि 1 आ गया, तो डेसिमल लगाओगे 10 आ जाएगा, वापस से वही कहानी। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 digits in repeating block इन रिपीटिंग ब्लॉक, 16 डिजिट्स है रिपीटिंग ब्लॉक में। चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स है रिपीटिंग ब्लॉक में। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हमें एग्जांपल्स देखने किसके फॉर्म के, पी बाई क्यू। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यहाँ पी और क्यू के इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। P और Q के नो कॉमन फैक्टर होता है, वैसे भी P और Q के कॉमन फैक्टर नहीं होते अदर देन 1, जैसे 7/11 है, 6/11 है, या 12/17 है। आप ढंग से देख लो सभी का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे 6 किसकी टेबल में आएगा, 1 की, 2 की, 3 की, 6 की, 11 किस में आएगा, 1 और 11 की, 1 कॉमन। ऐसी 7 जिसकी टेबल में आएगा, 11 जिसकी टेबल, दोनों 1 कॉमन होगा। ऐसी 12 किसकी टेबल में आएगा, 1 2 3 4 6 12। 17 किस में आएगा, 17 आएगा 1 ऑफ 17 में, दोनों देखो 1 ऑफ कॉमन है। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपको ऐसे पी वाई क्यू के एग्जांपल देखना है जिनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1 होता है, पी और क्यू में होता ही है 1। चलो आगे क्या बोल रहा है देखो, और उनका डेसिमल कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। डेसिमल कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। कैन यू गेस व्हाट इज अ प्रॉपर्टी दैट क्यू मस्ट हैव। अच्छा, डेसिमल होना चाहिए टर्मिनेटिंग, डेसिमल होना चाहिए टर्मिनेटिंग। तो हमसे पूछ रहा है कि Q की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा दिया था
कि जो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल देते हैं उनके डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होता है वो या तो 2 होता है या तो 5 होता है या तो दोनों होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बता देता हूँ, एग्जांपल जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल 7/5, तो 7/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 × 0 × 5/1, 2 × 0 1 होता है, 2 × 0 1 होता है, तो 5 को मैं 5 × 1 नहीं लिख सकता, 5 को मैं अगर 1 × 5 लिखूँ तो 1 को मैं कुछ भी, 1 तो किसी एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ये तो आपको पता होगा, किसी की पावर 0 लगाओ तो हमेशा 1 आता है कि नहीं आता। अब 100 की पावर 0 लगाओ तो 1 आएगा, 1000 की पावर 0 लगाओ तो 1 आएगा, 100000 पावर 0 लगाओ तो 1 आएगा। अच्छा, तो इनका डेसिमल क्या देखो, 1.4 टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल निकाल सकते हो, जैसे मैंने एक लिया था 1/80 लिया था, तो 80 क्या होता है, 60 × 5 मतलब 2 × 4 × 5। सर कैसे पता चला ये आपको, ऐसे 2 से लगाया 40 आया, 2 से लगाया 20 आया, 2 से लगाया 10 आया, 2 से लगाया 5 आया, देखो 2 × 4 × 5 आएगी नहीं आया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/80, तो पॉइंट लगाया 0, 0 लगाया तो ये आ गया 10, और 0 1 लगाया 80 आ गया 20, 1 0 लगाया तो 4 ये आ गया, सॉरी 2 ये आ गया 160, 1.125, इसका आंसर आएगा 0.125। तो हमसे कहा गया था कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे मैं ले लूँ 1/16, 1/16 क्या होता है, 2 × 4, और 5 इसके पास है ही नहीं, तो 5 × 0, तो 1/16 का आंसर कितना होगा, 1/16 का 0.0010 6 96 40 2 32 805, तो 0.625। तो इन सभी का टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है, और सभी का जो डिनोमिनेटर है उनका फैक्टर क्या है, 2 और 5, उनका फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 और 5, इनका फैक्टर है 2 और 5। तो हमें बोला गया था कि उनके डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी क्या है, डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी, तो मैंने आपको देखो सभी में बता दिया कि इन सभी का डेसिमल कैसे आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाना, और सभी के डिनोमिनेटर फैक्टर क्या है, या तो 2 है या तो 5 है या दोनों है। तो हम बोलेंगे क्यू मतलब डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, क्यू इज ऑफ द फॉर्म देखो 2 की पावर है 5 की पावर है, 2 × m × 5 × n जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, देखो 2 × m × 5 × n, 2 × m × 5 × n, 2 × n × 5 × n, ये आ रहा है अपना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, राइट 3 नंबर्स हूज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना रुके और रिपीट भी ना हो, ना रुके ना रिपीट हो। तो अपने से आप कोई भी डेसिमल लिख सकते हो, अपने से कोई भी, जैसे मैंने लिख दिया 0.52 5 2 2 5 2 5 2 2 5 2, ये एक हो गया, ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। देख लो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा है, और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग एक ही है, पहले 52 है फिर 5 2 2 है फिर 5 2 2 है, ऐसा है। सेकेंड एग्जाम्पल अपने से, जैसे मैंने 60 सोचा, 0.60 6 0 0 6 0 6 2 0, ऐसा, देखो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं रुक रहा है और रिपीट भी तो हो रहा है, देखो पहले 60 फिर 6 0 0 फिर ऐसे 60 6, नॉन रिपीटिंग है, एक तो रुक नहीं रहा है ऊपर रिपीट भी कुछ नहीं हो रहा है, आप सोचोगे 6 और 0 रिपीट तो हो रहा है, नहीं, पैटर्न देखो 60 600 6000, अगर ये होता 0.60 60 60 60 60, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं रुक रहा लेकिन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अरेसन में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें 0.79 7 9 7 9 7 9 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
Find three different irrational numbers between 5 by 7 and 9 by 11. 5 by 7 and 9 by 11. इनके बीच में हमें तीन irrational numbers ढूंढने. 5 by 7 और 9 by 11 के बीच में तीन irrational numbers ढूंढने. पहले तो मैं 5 by 7 को decimal में बदल लेता हूँ. 5 upon 7. क्या कहते हो? कैसा decimal आएगा? नीचे 7 है. Denominator का जो format है, format है वो 2 और 5 का नहीं है. मतलब 7 जो है वो 2 और 5 से divisible नहीं है. मतलब non-terminating आएगा.
ये मैं पूरा समझा चुका हूँ आपको वीडियो में पूरा। तो पॉइंट आएगा ज़ीरो, ये आएगा 749, 10, ये आएगा 1730, मान लो 0.7 रिपीटिंग आ रहा है 0.7 या चलो ठीक है तक, तो 0.7 एंड सो ऑन चलता जा रहा है ये। और 9 बाई 11 क्या होगा, 9 बाई 11 ये भी रिपीटिंग होगा क्योंकि 11 जो है 25 से डिविजन नहीं है। तो 0.0 ये लगाया 8 88, 20 1 11, मतलब 0.81 एंड सो ऑन। तो 0.71 और 0.81 के बीच में हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर्स लिखना है। क्या लिखना है, इरेशनल नंबर्स। अब ये जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, इनके डेसिमल कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ना रुके, और नॉन रिपीटिंग जो रिपीट ना करे। जैसे यहाँ बनाया, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे ही कुछ डेसिमल बनाते हैं, चलिए ऐसे ही कुछ डेसिमल बना लेते हैं इसमें। तो अपने से मैंने बनाया 0.71 और 0.81 के बीच में 0.72, 722, 722 एंड सो ऑन। ऐसे ही मैंने बनाया, मान लो 0.75, 755, 755 ऐसा चलता जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक मैंने बनाया 76, 766, 766, आप कुछ ही बना सकते हो भाई। 0.7 और 0.81 के बीच में इनफिनाइट नंबर्स होंगे, 0.71 और 0.81 के बीच में इनफिनाइट नंबर्स होंगे। पिछली एक्सरसाइज में मैंने समझाया था, फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो आप कुछ भी अपने से बनाओ जो पैटर्न आपको अच्छा लगे। चलो लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन में। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। इसमें से रैशनल कौन है और इसमें से इरेशनल कौन है। चलो जिसका रूट कैंसिल ना हो पाएगा वो रैशनल, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर जो जो होगा वो रैशनल। रूट 23 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है, इरेशनल, ठीक है। सेकंड वाला रूट 225 किसी का स्क्वायर होता है क्या, बिल्कुल होता है। किसका, 15 का, ये आ जाएगा 15, क्या आएगा, रैशनल। ये कैसे 15 आता है, क्योंकि 225 को आप 15 का स्क्वायर लिख सकते हो, स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। कैसे होता है ये लास्ट एक्सरसाइज में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए रूट 225 क्या आ गया, 15, और 15 जो है 15/1 लिख सकते हैं, तो वो रैशनल है। तीसरा 0.3796, भाई साहब डेसिमल देख के पूछ रहा है आपसे रैशनल है कि इरेशनल है। तो ये मैंने शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में आपको समझा दिया था, ये डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग है, रुक गया है। और जो डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है वो कहाँ से आता है, रैशनल से आता है। जो डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है वो कहाँ से आता है, रैशनल से आता है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमने सबसे शुरुआत में हमने यही पढ़ा था, डेसिमल्स के बारे में पढ़ा था। डेसिमल्स, ये आ गया डेसिमल्स, ये मैंने आपको बताया था कि जो डेसिमल टर्मिनेट करता है, देखो रुक गया ना, ये रुक गया डेसिमल, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। कहाँ से आता है, रैशनल नंबर से आता है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए ठीक है, आ जाते हैं और नीचे आ जाइए, जल्दी 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 आ जाओ। चलो अब इसके बाद चौथा क्या है, पॉइंट्स, चौथा है 7.478, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। डेसिमल कैसा है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर। फिर से शुरुआत में बताया था ये सारी चीज़ें, क्योंकि इरेशनल नंबर का क्या होता है, रुकता भी नहीं है, रिपीट भी नहीं होता। जैसे लास्ट वाला 10, 100, 100, 100, 100, ऐसे रुक भी नहीं रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा। आप बोलोगे 10 रिपीट कर, नहीं, पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है। तो लास्ट वाला है इरेशनल नंबर। तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट में आएंगे 1.4 एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे 1.4 एक्सरसाइज में।